कॉलेज के सुहाने दिन याद आ गए। हम सब क्या धमाल क्या मस्ती किया करते थे, नहीं? सच यार। And guys, I'm really happy यार तुम दोनों आ सके ना यहाँ पे। Thank you। यार, जब तुमने हम दोनों को बुलाया ना, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलने का, नहीं? सच यार। यार गौतम, तू जब यहाँ आया ना, तो मुझे बड़ा शौक लगा। मुझे तो लगा था कि तू यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंड तो तेरी बजाते थे हम। हाँ, उस वक्त तुझे एक मुक्का नहीं दे सका था ना। कोई बात नहीं, आज मार लूंगा। ओए ओए ओए, क्या बच्चों की तरह लड़े हो यार, शांत हो जाओ ना, बैठ आराम से। ओके, एक सेकंड आता हूँ मैं, ठीक है? एक मिनट बस। क्या हुआ? एक लेटर आया है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, इस शनिवार को एक अनोखी शाम आप सबका इंतजार कर रही है। क्रिसेंट बंगलो में आप सबका स्वागत है। ये मेरा वादा है आपसे कि शनिवार की ये शाम आप सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। नाम पढ़ना यार। नाम ही नहीं लिखा इसमें यार। लेकिन यार एक बात बहुत अजीब है, जिसने भी मुझे इनविटेशन भेजा है उसको ये कैसे पता कि तुम दोनों भी यहाँ पर आए हुए हो? अरे यार, इस इंसान को तो हमेशा शक करते रहने की आदत है। चिल यार, कम ऑन, खाना खाते हैं। वाह, बाप रे बाप, यार डेकोरेशन है यार। ऐसा तामझाम तो किसी फिल्म स्टार एक्टर की शादी में होता है यार। कहा था ना मजेदार पार्टी होगी यार। सही में मजा आ गया। तेरी क्या? वो देख यार, डायमंड मर्चेंट सुरेश भाई और उनकी पत्नी आए यार। और वो देख, टेक्सटाइल किंग मुकेश जी भी आए हुए हैं यार। मुझे तो लगा था कोई छोटी मोटी पार्टी होगी, पर बॉस यहाँ तो बड़ी बड़ी हस्ती आई हुई है। उधर देखो, कामनी भी आई हुई है। ओ तेरी यार, कॉलेज के बाद सीधा आज देख रहा हूँ इसे। यार इसे अभी देखना बंद कर, शादी हो गई है उसकी। कामनी, हाय। अरे विक्की, हाय। अरे तुम सब भी आओ, व्हाट अ सरप्राइज। नो दामिनी, सरप्राइज तो तब मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि इस पार्टी का होस्ट कौन है। yes. मैं हूँ होस्ट। मैंने बुलाया और आप चले आए। आप आए मेरी महफिल में, मेहरबानी आपकी। मैं भले ही हवा में उड़ता रहूं, पर आपके लिए बैठने का बंदोबस्त किया है। मुझे पता है आप सभी को यह सवाल परेशान कर रहा होगा कि आपको किसने आमंत्रित किया है। उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले यह बता दूं कि आपको यहां क्यों आमंत्रित किया गया है। एक भव्य, आलीशान, आंखों को चकाचौंध कर देने वाला नजारा देखने के लिए एक ऐसा प्रभावशाली शानदार तमाशा आपको दिखाऊंगा जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अरे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही सस्पेंस बढ़ा रहा है यार। धीरज रखना यार। आपका इंतजार खत्म हुआ। वहां देखिए पीछे, उस पानी की टंकी में आपकी जिंदगी बदल दूंगा मैं। घबराइए नहीं, जाइए वहां। टंकी में ऐसा क्या है? Oh!
आप लोग जब इस बंगलो में पहुंचे तो क्या देखा आप लोगों ने? और एक बात, अगर आप लोग निर्दोष हैं तो कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ। और सीआईडी ऐसे लोगों के साथ कॉपरेट नहीं करती जो सीआईडी के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बताइए आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सर, हम एक दूसरे को जानते तो हैं, पर आज हम काफी सालों के बाद मिल रहे हैं सर। और यहाँ इकट्ठा होने की वजह? हम यहाँ अपने आप नहीं आए थे, बल्कि हमें यहाँ किसी ने इनवाइट किया था। हाँ सर, ये देखिए सर, हम सबको ये इनविटेशन कार्ड मिला था, और अजीब बात यह है इसमें किसी ने अपना नाम भी नहीं लिखा है सर। कमाल है, नाम भी नहीं लिखा और आप लोग यहाँ पहुंच भी गए। सर, हमें लगा हमारे किसी दोस्त ने हमारे साथ मजाक किया होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद कहा था ना मजेदार पार्टी होगी। यार सही में मजा आ गया। सरप्राइज तो तब मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि इस पार्टी का होस्ट कौन है। यस, मैं हूँ होस्ट, मैंने बुलाया और आप चले आए। वहां देखिए पीछे उस पानी की टंकी में, आपकी जिंदगी बदल दूंगा मैं। नकाबपोश, एक काम करते हैं, इस बंगले की पूरी जानकारी निकालते हैं। सर, सर। हाँ निखिल। सर, ये देखिए सर, ये कैसे हो गया? सारों के साहब को बुलाओ, लगता है पानी में कुछ गड़बड़ है। बेचारे डाइवर्स बेवजह मारे गए। पर सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, तीनों आदमी टंकी में मरे कैसे? सारों के साथ चेक कर रहे हैं, अगर पानी में जहर होगा तो पता चल ही जाएगा। इंसान का रंग तो नहीं बदलता है अगर उसमें जहर होता है, लेकिन इस पानी का रंग जरूर बदल जाएगा अगर इसमें जहर होगा तो। सर, अगर इसमें जहर होता तो पानी का रंग कैसा होना चाहिए था? इस पानी का रंग नीला हो जाना चाहिए अगर इसमें जहर हो तो, लेकिन इसका रंग नीला नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब साफ है अभिजीत, इस टंकी के पानी में जहर बिल्कुल नहीं है। पानी में जहर नहीं है तो फिर इन लोगों की मौत हुई कैसे? अब ये तो लाशों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही पता चलेगा। विनी, निखिल, एक काम करो, लाशों को बाहर निकालो और डॉक्टर सारुके के साथ फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। पता तो चले कि डाइवर्स और इस आदमी की मौत आखिर हुई कैसे।
उस आदमी के पैर में इतना बड़ा पत्थर बांध के नीचे फेंक दिया गया। बेचारे ने बाहर आने की कोशिश भी की होगी, लेकिन चेन और रस्सी की वजह से बाहर नहीं आ पाया। सलगता है खूनी ने उन दोनों गोताखोरों के लिए पहले से जाल बिछा रखा था। उसने इस टंकी में लाश जानबूझ के डाली। वो जानता था कि गोताखोर पानी में जाएंगे और फिर जाल में फंस जाएंगे। हो सकता है निखिल, लेकिन खूनी को कैसे पता कि दोनों गोताखोर पानी में डूब के मर जाएंगे? अगर ये उसकी साजिश थी तो हमें पानी में या टंकी में कुछ तो मिलना चाहिए था। हाँ सर, ना तो हमें पानी में जहर मिला और ना ही टंकी में कोई हथियार। हाँ, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, उन दोनों गोताखोरों को उसने मारा कैसे? सर, पार्टी में आने वाले किसी भी मेहमान ने उस मेहमान नवाजी करने वाले की शक नहीं दी, क्योंकि उसने मुखौटा लगा रखा था। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई, उसने इन सब लोगों को बंगलों में एक लाश देखने के लिए क्यों बुलाया? पर उन्हें कार्ड से नहीं बुलाया, खुद हाथ से लिख के इनवाइट किया। ये खूनी अजीब तो है, लेकिन चालाक भी है, पीछे कोई सबूत छोड़ता ही नहीं। निखिल, बंगलो अच्छी तरीके से छान मारा ना? सर, स्पीकर, माइक और म्यूजिक सिस्टम के अलावा कुछ नहीं मिला सर। स्पीकर, माइक और ये म्यूजिक सिस्टम, ये लाइटिंग, ये डेकोरेशन, उसने किसी से तो करवाया होगा ना? निखिल, पता लगा वो कौन सा इवेंट मैनेजर था या डेकोरेटर था जिसने बंगलों को सजाने का काम किया था? सर, और बंगलों के मालिक का भी पता लगाओ। सर, सर, जिस आदमी की लाश इस टैंक में थी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। हो सकता है किसी ने उसके गायब होने की रिपोर्ट करवाई हो, और पोस्टर भी लगवा दो शहर में, शायद कोई पहचान ले। तारिका। ओह, गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब तुम लोग अमीन लाशों के बारे में बताओगे। हैं? सारण के कहाँ? यही है लैब में। यही है लैब में मतलब? ये दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई केमिकल तो नहीं बनाया ना उसने गायब होने का, जो पी के बैठ गया कहीं गायब हो गया मिस्टर इंडिया की तरह? कहाँ है सारण के? कहाँ? पूरे सो रहा है इसकी तो। तारिका, ये किसकी लाश पड़ी है? कितने दिनों से बदबू आ रही है लाश को, फेंक दो लाश को बाहर। अरे बाप रे, तू सड़ों की है लाश हूं? नहीं नहीं, तो डॉक्टर सड़ों की है। फिर क्या कर रहे हो इधर? ये जगह है? नहीं, मैं मानता हूं कि तुम लाशों के साथ गप्पे मारते हो, लेकिन आज सोने भी लगे लाशों के साथ? सो नहीं रहा था। तो फिर क्या कर रहे थे आप? सोच रहा था। सोच रहे थे आप? अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने, जरा बताइए हमें भी। मैंने ये सोचा बॉस, कि ये आदमी जो है, हाँ, ये पानी में गिरने के बाद नहीं मरा है, बल्कि मरने के बाद पानी में गिरा है। सर, लाश तो हिल भी नहीं सकती है, तो फिर ये पानी में तैरने कैसे गया होगा? ये गया नहीं बॉस, इसे पानी में डाला गया है मरने के बाद। इसकी मौत तो 15 दिन पहले ही हो गई थी। क्या कहा? इस आदमी की मौत 15 दिन पहले हुई है? ये कैसे कह सकता है तू सालुंखे? एक्सपीरियंस, दाई नेम इज डॉक्टर सालुंखे। बॉस, मुझे इसके शरीर में वो केमिकल्स मिले जो बॉडी को प्रिजर्व करने के काम में आते हैं, ताकि लाश सड़ ना जाए। यार, मगर ऐसे केमिकल्स तो मुर्दाघरों में होते हैं। बिल्कुल, मगर सड़ों की एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन दोनों ड्राइवर्स को मारने के लिए एक लाश का इस्तेमाल क्यों किया गया? लाश का इस्तेमाल क्यों किया गया? कोई तो वजह होनी ही चाहिए सड़ों के, कोई तो वजह जरूर है, पर क्या? सर, इन गोताखोरों का अगला पिछला रिकॉर्ड चेक किया है, इनका कोई भी दुश्मन नहीं था, इन्हें तो एन मौके पर बुलाया गया था। मगर इन दोनों की मौत पानी के अंदर हुई कैसे सड़ोंके? सर, हाँ, इन दोनों की मौत पानी में बिजली का करंट लगने की वजह से हुई है। बिजली का करंट लगने की वजह से पानी के अंदर? पानी के अंदर बिजली का करंट, ये कैसे सड़ोंके? बस अब
ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा। पानी की टाकी में बिजली का करंट, पता लगाना पड़ेगा इस पानी की टाकी के बारे में, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रिक का वायर उस पानी की टाकी में आया कहां से। इस लाश का फोटो निकालो और शहर के सारे मुर्दाघरों में भेज दो, पता चल जाएगा किस मुर्दाघर से इस लाश को लाया गया और पानी की टांकी में डाला गया। दोनों गोताखोर हमारी आंखों के सामने लाश निकालने के लिए पानी की टंकी में उतरे थे। समझ में नहीं आ रहा ये बिजली का करंट पानी में लगा कैसे हो। विनीत अंदर जाके देखो जरा, देखो कोई इलेक्ट्रिक स्विच, कोई बिजली का वायर वगैरह दिखता है? कुछ तो होना चाहिए। सर, पूरी टंकी अच्छी तरह से चेक करके देख लिए सर। टंकी की सारी दीवारें एकदम सही सलामत है, कोई छेद नहीं है, ना ही यहाँ कोई वायर है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक स्विच। कमाल है, बिजली का करंट आया कहाँ से? बाहर आ जाओ। सर मैंने शहर के सभी डेकोरेटर और इवेंट मैनेजर से पूछताछ कर ली है। सर बड़ी अजीब बात है, किसी को इस बंगले को सजाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था। तो फिर ये लाइटिंग, ये सजावट उस नकाबपोश ने खुद की है? इसमें तो बहुत टाइम लगा होगा। सर बहुत समय लेकर ही उसने ये सब प्लान बनाया था। हम अगर प्लान क्या है उसका, चाहता क्या है वो? पहले कुछ लोगों को बंगलों में बुलाता है, इनविटेशन की वजह नहीं बताता, और दिखाता है एक आदमी की लाश, और अभी तक ना तो मारने वाले का पता चला है न मरने वाले का। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, अच्छे से याद करके बताइएगा, क्या ये लाश आप ही के मुर्दा घर में थी? 100%। 15 दिन पहले इसकी लाश समंदर के किनारे पुलिस को लावारिस मिली थी, उसके बाद इसी मुर्दा घर में रखा गया था इसको। डॉक्टर साहब, तो फिर ये लाश उस टंकी में कैसे पहुंची? अब लाश पानी की टंकी में कैसे चली गई ये तो पता नहीं है, लेकिन यहां से बाहर निकली वो भीखू की वजह से। बीकू? कौन बीकू? ये मुर्दा घर का अटेंडेंट है, उसी की लापरवाही से लाश चोरी हुई है। चोरी हो गई? किसने चोरी की लाश? बीकू ने देखा है उसे? देखा भी और नहीं भी देखा, दरअसल वो डर गया था। साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये बात तो आप बीकू से ही पूछ लीजिए। कहाँ मिलेगा बीकू? कोई ना कोई छेड़छाड़ तो की गई इस पानी के टैंक के साथ, इसको बाहर से भी चेक करो। उस तरफ देखो विनी, इधर देखो, कोई इलेक्ट्रिक वायर वगैरह दिखता है क्या? सर ऐसा कोई वायर दिख नहीं रहा है जिससे इस टंकी में करंट पास किया जा सके। सर इधर भी आसपास कोई इलेक्ट्रिक वायर दिखाई नहीं दे रही। सर जो नहीं दिख रहा है वही ढूंढना है विनीत। दोनों की मौत करंट से हुई है, और करंट लगा है उन्हें पानी की टंकी के अंदर। कुछ ना कुछ गड़बड़ इसी के अंदर ही है। नौ, 11, 13, 15,000 लीटर। टंकी तो पूरी भरी हुई थी ना? हाँ सर।
5000 लीटर, 3000 लीटर और 3000 लीटर, 5, 3, 8, 3, 11, और वो जो 4000 लीटर का पानी का टैंक है ये तो पूरा भरा ही नहीं था। मुश्किल से 1000 लीटर पानी होगा। सर, बाकी का पानी कहाँ गया? टंकी में तो कोई छेद भी नहीं है। वही तो, पानी का टैंक है 15000 लीटर का। जब पानी बाहर निकाला गया था तो पूरा भरा हुआ था, और पानी बाहर आता है मुश्किल से 11-12 हजार लीटर। बाकी का 3000 लीटर पानी गया कहाँ? आई आई कहाँ है बीकू? अभी तो यही था, पता नहीं किधर गया। बीकू, बीकू, ये आपका भीखू। ऐसा ऐसे आदमी को नौकरी पर रखेंगे तो लाशें तो चोरी होंगी। चोरी नहीं साहब, गायब, सब गायब, गायब हो गई सब, गायब। तुमने तरसी शराब पी है? कितनी बार तुमको समझाया कि शराब पीकर ड्यूटी पर मत आया करो, अब तुम्हें नौकरी से ही निकालना पड़ेगा। सॉरी साहब, सॉरी, गलती हो गई, क्या करो, दुनिया मेरी उल्टी पलटी हो गई साहब। देखो, सीधे खड़े रहो और सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब दो, हम सीआईडी से। ओके साहब, एक और पटली रिपोर्टिंग सर। सर, ये बोतल ब्रिगेड का आदमी हमारा दिमाग खराब कर देगा। देख देखो, नाटक बंद करो और सीधे सीधे बताओ, तुमने किसी को लाश को चुराते हुए देखा था? लाश चुराते हुए देखा था? किसको देखा था? उसको देखा था। उसको? कौन था वो? कौन था? वो थी आत्मा। आत्मा? देख, तू अभी पिए हुए, शायद उस दिन भी पिए हुए था, इसलिए तुम्हें आम इंसान में एक आत्मा दिखाई दी। मैं नशे में था तभी होश में था साहब, कैसे भूल सकता हूँ साहब वो काली खामोश रात। मैं था साहब, मेरी तन्हाई थी और थी मेरी बोतल। साहब, मैंने देखा कि अचानक में दरवाजा खुला, फिर मैंने देखा साहब, साहब वो आवा? ये आग कहां से आ रही? लगता मैं ज्यादा पी लिया आज। तो सफेद खुद साहब, फाटक, उस आत्मा को देख के दिमाग का फाटक बंद हो गया। चुप! एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने कहा ना कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, ये सब तुम्हारा भ्रम है, समझे?
साहब भ्रम नहीं है, आई शपथ साहब, खोटा नहीं संगत में, मेरा विश्वास करो साहब। विश्वास कर तुम्हारा साहब, अभी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हेलो, अच्छा साहब, आप मेरे को समझदार लगते हो, क्योंकि जो मैं समझ रहा हूं ना वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, और समझदार लोग ही ना आत्मा को समझ सकते हैं। इतना ना समझ तो मैं भी नहीं हूं, आत्मा नहीं होती, शायद सर बंगले के आसपास वाले लोगों से पता चला है कि बंगले का मालिक पिछले 7 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। इसका मतलब वो बंगला 7 सालों से खाली पड़ा है। हाँ सर। ओहो, तो खूनी ने ये सारा खेल रचने से पहले बंगलों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की होगी। पूर्वी, अगर 7 सालों से वो बंगलो खाली पड़ा है तो फिर पानी की टंकी भी खाली होनी चाहिए थी। हाँ सर। सर इसका मतलब खूनी ने प्लान के मुताबिक उस टंकी में पानी भरने के लिए टैंकर्स मंगवाए होंगे, एक नहीं कई सारे। एग्जैक्टली, पता करो किस वाटर सप्लायर ने उस टंकी को भरने का ऑर्डर लिया था। सर ऑर्डर नहीं कर रहा हूं साहब, विनती कर रहा हूं, दो बोल आप भी बोल दीजिए ना। सर मुझे लगता है भिकू सच बोल रहा है, वो आत्मा ही थी। दरवाजा खुलना, हवा चलना, लाइट का यूं 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 ऑन ऑफ होना, जब आत्मा आती है ना तभी ऐसा होता है। मैं क्या बोल रहा हूं सर, एक बार पता लगाने में हमारा क्या जाता है? पता तो लगाना ही पड़ेगा कि ये चक्कर है क्या, और मान लेते हैं कि आत्मा वाली बात सच है तो भीकू के अलावा किसी और ने भी तो उस आत्मा को देखा होगा। मुद्दा घर के स्टाफ से पूछताछ करनी पड़ेगी। यार तूने अभी अभी कहा कि इन दोनों ड्राइवर्स की मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है, और अब तू कुछ और ही बता रहा है। जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, ये देखो इनके शरीर पर ये जलने के निशान है कि नहीं है? सारुंखे, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई इतना जलता है क्या? हाँ। इतना जलता है? हाँ। हाँ क्या? बात बदलता है तू बार बार। अरे बात क्या बदल रहा हूँ मैं? नहीं तो क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इनके शरीर पर जलने के निशान आए हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आए हैं। देख सारुंखे, उस पानी की टंकी में हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। तो मैंने ये कब कहा कि ये जो जलने के निशान है ये इलेक्ट्रिक वायर की वजह से है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जलने के निशान है ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से है। अरे लेकिन जब इलेक्ट्रिक वायर ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कैसे? ये तुम ढूंढो ना यार। तुम ढूंढो का क्या मतलब? अरे सर, इन दोनों की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई, मगर पानी में लाइव वायर नहीं था, तो फिर इन्हें वो शॉक लगा कहां से? मैंने कुछ और कहा, मैंने कुछ और कहा। दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। गेट लॉस्ट। कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है, कुछ तो छूटा है हमसे, कुछ तो छूटा है, पर क्या? जो कुछ भी है उस पानी की टांकी के अंदर ही है, पानी की टांकी के अंदर। इस पानी के टांके को फिर से जांचना पड़ेगा, फिर से खोदो इस पानी की टांकी को, खोदो। पानी की आवाज, खोदो, तोड़ दो। तो ये चक्कर है, टैंक के अंदर एक और टैंक बना रखा है। मछलियां तो घड़ी अजीब किस्म की मछलियां लग रही हैं।
है, कौन सी है मछली? तुमने इस मुर्दा घर से किसी को लाश ले जाते हुए देखा था? नहीं साहब, देखा होता तो बोलता ना, मैं वो अटेंडेंट भिखू की तरह थोड़ी डरपोक हूं। कैसे हो सकता है, उस भिखू ने तो देखा था। ठीक है, उसने जो देखा उसे लगा कि वो आत्मा थी। तुम याद करो, दिमाग पर जोर डालो, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो अजीब लगा होगा तुम्हें उस रात। हाँ साहब, प्रीधर आया था एक हरे रंग की डस्टबिन ट्रॉली लेकर। क्लीनर, क्या वक्त रहा होगा? रात का 1 बज रहा था साहब। रात को 1 बजे मुर्दा घर में क्लीनर, तुमने रोका उसे? पूछा उसे कि इतनी रात वो मुर्दा घर में क्या साफ करने आया था? उसका डस्टबिन चेक किया तुमने? क्या चेक करता साहब, मेरे को लगा वो सचमुच वाला क्लीनर है। सर, ये स्मोक कैनिस्टर मिला है, धुआं शायद इसी में से निकला होगा। हाँ फ्रेडी, इसी से धुआं छोड़ा गया होगा। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा, बोला था ना मैं, बोलता है आत्मा नहीं आएगा। अभी सबको गायब कैसा करते हैं देखो। आत्मा, ये माजरा क्या? आत्मा नहीं सर। सर, रोशनी टिमटिमाने की वजह है ये क्लिप। अब समझ में आया कि वो धुआं कहां से पैदा हुआ था। ये कोई आम आदमी नहीं है, उसने इस क्लिप और इस स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया और इन सारे इफेक्ट्स की वजह से भीखू को लगा कि लाश हवा में उड़ रही है। ये बात तो है सर, जिसने भी ये सब किया है वो जादू जानता होगा। उसने सारे जादुई नुस्खों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है कि भीखू को लगे वो एक आत्मा है। लेकिन वह है कौन और उसके इस जादुई खेल खेलने के पीछे उसका मकसद क्या है? ये देखो बॉस, कुछ ऐसा हुआ हो, उस टंकी में एक आर्टिफिशियल बेस, नकली तल बनाया था। जैसे ही इन दोनों गोताखोरों ने इस आदमी की लाश को निकालने के लिए उस तल पर पैर रखा, इन दोनों के वजन की वजह से ये तल खुल गया और इसके नीचे से छिपी हुई ईल मछली बाहर निकली और उसने इन दोनों गोताखोरों को छुआ। मछली ने छुआ और मौत हो गई, ये कैसे हुआ सर? हो सकता है क्योंकि ईल मछली में इलेक्ट्रिक करंट होता है। बस एक बात और, ईल मछली की पूंछ रस्सी से बंधी हुई थी। हाँ। और वो रस्सी एक खास मैकेनिज्म के जरिए उस नकली तले से जुड़ी हुई थी। जैसे ही ईल मछली ने उन दोनों लोगों को छुआ, उस मैकेनिज्म के जरिए ये तला अपने आप बंद होने लगा और ईल मछली जाकर के वापस उस नकली तले के नीचे छुप गए और हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर ये इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो लगा कैसे। लेकिन सर, जब हमने उस टैंक के आर्टिफिशियल बेस पर पैर रखा तो हमारे वजन से वो क्यों नहीं खुला? वो इसलिए भी नहीं कि सारा का सारा इंतजाम सिर्फ एक बार काम में आने के लिए बनाया गया था। हाँ सर, वन टाइम मैकेनिज्म। मछली भी करंट मारती है? हाँ, और कोई छोटा मोटा करंट नहीं, पूरे 600 वोल्ट का करंट, एक ही बार में इंसान की मौत हो जाती है। और वहां पर एक नहीं, तीन तीन मछलियां थी। सर, हमारे देश में ऐसी मछलियों के बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि ये मछलियां सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती। सर, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री भले ही थोड़ा कमजोर हो मगर भूगोल शास्त्र ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ऊपर होता है सर। यार, ये चित्रौली ने क्या भेज दिया यार? ईल हिंदुस्तान में लाना मना है सर उनके, तो लगता है ये ईल मछली भी स्मगल की गई है। बिल्कुल। और सर, ये आर्टिफिशियल बेस भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। पूरी प्लानिंग के साथ, और ये बनाने में कम से कम 1 महीना तो लगा होगा। पता लगाना पड़ेगा उन मजदूरों का जिन्होंने ये टांकी बनाई, आर्टिफिशियल बेस वाली टांकी।
बंगलो नंबर 15 के पास यही एक जगह है जहाँ सुबह से शाम तक आदमी काम के लिए खड़ा रहता है। चलो इनसे चल के पूछते हैं, शायद इन्हें पता हो कि उस बंगलो का टैंक किसने ठीक किया। भाई साहब ये 15 नंबर जो बंगला है सामने, उसके पानी का टैंक यहाँ पे किसने ठीक किया था क्या? नहीं मालूम। अरे भाई साहब 15 नंबर बंगलो के पानी का टैंक किसने ठीक किया कुछ मालूम है आपको? नहीं। अरे भाई साहब ये 15 नंबर बंगलो के पानी का टैंक किसने ठीक किया है कुछ पता है आपको? हाँ साहब, वो पानी की टंकी हमने ही बनाई थी। अच्छा ये काम किसने आप लोगों को सौंपा था? साहब एक आर्किटेक्ट ने। अच्छा उस आर्किटेक्ट का नाम पता कुछ है आपके पास? नहीं साहब, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट आके काम के लिए बोलता है हम उसके साथ साइट पे चले जाते हैं। अच्छा तुम लोगों को उसकी शक्ल तो याद होगी, कैसा दिखता था? चेहरा तो ठीक से याद नहीं क्योंकि उन्होंने काला चश्मा और टोपी पहन रखी थी। काला चश्मा टोपी पहनी थी, लेकिन कुछ याद तो होगा तुम्हें कैसा था, दिखने में कैसा था या आवाज कुछ भी? साहब वो आर्किटेक्ट साहब ना छींकते बहुत थे, जिस धूल मिट्टी में वो काम करते थे वही उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कमाल है, जो आदमी धूल मिट्टी में काम करता है उसे धूल मिट्टी से ही एलर्जी, कुछ तो अजीब है। लगता है कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात करना चाहते हैं और हम सबको एक ही शख्स ने बुलाया है। कोई बात नहीं, सारा प्रॉफिट हम सब मिलके बांट लेंगे, क्यों? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, आप हमेशा पहले प्रॉफिट की सोचते हैं, लेकिन कम से कम ये भी तो सुन लीजिए कि काम क्या है। हेलो सर, हमें आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। होनी भी चाहिए। लेकिन सर आपने हम तीनों को इस जगह पर क्यों बुलाया? क्यों नहीं बुला सकते? जी वो मतलब नहीं था, अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी तो आपके ऑफिस या हम तीनों में से किसी के ऑफिस पे बैठ के चर्चा हो सकती थी। यहाँ इस तरह इस बिल्डिंग की टेरिस पे बुलाने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग विश्वास रखिए हम पर, हम कोई भी काम बेवजह नहीं करते। देखिए ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, ये समझिए एक बहुत बड़ी चुनौती है आप सबके लिए। लेकिन सर आप ऐसा क्या बनवाना चाह रहे हैं? जिस तरह से हम तीनों को आपने बुला रखा है लगता है कुछ खास और गुप्त प्लान है। मेरा मतलब है कि कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है ना सर? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करते, इस देश के कानून का बहुत मान रखते हैं हम। बताइए आप हमसे क्या बनवाना चाहते हैं? एक खास किस्म का सुरंग। सुरंग? कैसी सुरंग और कहाँ बनवाना चाह रहे हैं सर? हजारों फीट नीचे पानी के अंदर। क्या? लेकिन ऐसा अंडर वाटर टनल बनाने का काम तो सरकार का है, आप जैसे बिजनेसमैन का नहीं? देखिए जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और रही बात सरकार से परमिशन लेने की, तो वो जिम्मेदारी हमारी है, आप हम पर छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ एक बात याद रखें कि आपको अंडर वाटर टनल बनाना है, बस। बताइए आप हमसे कहाँ बनवाना चाहते हैं? बांद्रा वर्ली सीलिंग के नीचे। अगर आपका ये मजाक करने का अनोखा अंदाज है तो माफ कीजिएगा, आपका ये अंदाज हमें पसंद नहीं आया। अब हम अच्छी तरह से समझ गए कि ये प्रोजेक्ट हम किसे देंगे, आप और आप दोनों की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अच्छी ये हुई ना बात, ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है, आप लोग जा सकते हैं। अच्छी तो ये प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं। वैसे मलाड में बंगलो नंबर 15 में वाटर टैंक में एक खुफिया जगह बनाई आपने, है ना? नहीं सर मैंने नहीं बनाई सर, मैंने नहीं बनाया। याद कीजिए शायद कुछ याद आ जाए। नहीं नहीं सर मैंने नहीं बनाया सर। आपने नहीं बनाया? नहीं सर। तो ठीक है फिर मैं याद दिलाता हूँ आपको। नहीं शायद याद आ जाए। सर अब याद आ गया?
बोल। किसने बोला था वो खुफिया जगह बनाने के लिए तुझे? खूनी यहीं पे है। सर अंदर चल के इन्हें दबोच लेते। नहीं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझना। सचिन एक काम करो, पीछे से घर के अंदर घुसने का कोई रास्ता है क्या? देखो हम लोग आगे से चलते हैं। चलो बहने। क्या सर, इतना धुआं? हाँ, हमारे स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। नांग, नांग, गोली मार दूंगा मैं इसको। गन नीचे, नीचे गन। एक मिनट, आराम से। पानी से भरी बंद टंकी में मौत कैसी हुई? इसका रहस्य तो तुम लोगों ने पता लगा लिया। यहाँ मेरे बंगले तक भी तुम लोग पहुंच गए। यहाँ तक कि पहला और दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। देखो माना कि तुम बहुत ही होनहार जादूगर हो, सीआईडी को भी झांसे में डाल दिया, लेकिन ये सब करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं और मैं अपना नाम अमर करना चाहता हूँ। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम जादूगर बनना चाहता हूँ इस दुनिया का, जिसका नाम पूरे विश्व के इतिहास में लिखा हो। इस बार तो तुम लोगों की वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन अब मैं उससे भी बड़ा मायाजाल रचूंगा, उससे भी बड़ा चमत्कार करूंगा मैं। और एक और बार मासूम लोगों की जान का बलिदान लोगे? हाँ, भगवान ने तुम्हें इतना हुनर दिया है, उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, किस लिए? मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। अब यहां से तुम लोग निकलोगे कैसे? तुम्हें पकड़ कर। ये आदमी यही इसी बंगले में कहीं है। चलो देखते कहां छुपा हुआ है।
बार बार तुम्हारी तारीफ करने का मन कर रहा। शाबाश, एक और टेस्ट पास कर लिया आप लोगों ने। अब बस दो कदम दूर है आप मुझे पकड़ने से। आओ पकड़ लो मुझे, आओ। मौका अच्छा है, अभी पकड़ लेते हैं। एक मिनट, अभी नहीं। सर इस तरह तो हम इसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। सही कह रहे हो तुम, कभी पकड़ नहीं पाओगे मुझे, क्योंकि मैं एक हवा की तरह हूं जिसे तुम महसूस तो कर सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते। कॉइन फेंकने से शॉर्ट सर्किट हो गया, हो सकता है दो तीन बार और अटैक करने से ये सर्किट कमजोर पड़ जाए। जो कुछ भी है अटैक करो। तुम्हारे माया जाल का पर्दाफाश हो गया है? अब जरा ये चेहरे से पर्दा हटाओ, हटा पर्दा, असली चेहरा दिखा। तुम अरे ये तो जादूगर टीसी ओंकार है सर। हाँ, नाम पैसा शौहरत सब कुछ था तुम्हारे पास, लेकिन लालच, लालच ने तुम्हें इंसान से हैवान बना दिया। हैवान नहीं, भगवान हूं मैं, समझे? और तुम लोगों ने मुझे पकड़ के इतना बड़ा पाप किया है, अब मैं तुम तीनों को इतना बड़ा श्राप दूंगा कि तीनों ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगे जहां पीने को सिर्फ गर्म खून मिलता है और खाने को उबलती हुई हड्डी। फिलहाल तुम्हें हम उस दुनिया में भेज रहे हैं जिसे आम आदमी जेल कहते हैं। ले चलो उसे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.